ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। 16 दिसंबर से महाशुभ योग बनने जा रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य पूरे एक साल के बाद में धनु राशि में आने वाले हैं। सूर्यदेव का तो वैसे हर महीने राशि परिवर्तन होता है, लेकिन एक राशि में निकलने के बाद में फिर एक साल के बाद उस राशि में आते हैं, यानी पारव राशियों को बदलने के बाद में फिर उस राशि में प्रवेश करते हैं। तो पिछले साल धनु राशि में जब प्रवेश किया था तो बहुत अच्छे योग बने थे। अब मित्र की राशि में सूर्य का प्रवेश है, जो कि कई राशियों के लिए बेहद ही भाग्यशाली है। ऐसे में कुछ राशि के जातकों को अकस्मातक पुत्र धन का लाभ मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, सरकारी नौकरी के योग बनेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर राशि के जातकों के जीवन में किसी न किसी तरह अवश्य पड़ता है। ऐसे में ही साल के अंत में यानी 16 दिसंबर को दोपहर 3:47 पर गुरु की राशि यानी धनु राशि में सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य को शक्ति, ऊर्जा, धर्म, आस्था, बुद्धि और सौभाग्य का व पुत्र कारक माना जाता है। ऐसे में सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने से कई राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऐसे में आप नए साल में प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें। बेलपत्र, शमी पत्र, पुष्प, चावल के दाने, खीर का प्रसाद भगवान शिव को समर्पित करें और भस्में जरूर लगाएं भगवान शिव को, इससे मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले है मेष राशि। इस राशि में सूर्य नौवें भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव को धर्म पिता, भाग्य, तीर्थ स्थल का कहा जाता है। इस कारण इस राशि के जातकों को साल के अंत में खूब लाभ मिलने वाला है। इस राशि के जातक अध्यात्म की ओर झुकेंगे। इसके साथ ही जीवन में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। छात्रों को शिक्षा के लिए यात्रा करनी पड़ सकती हैं। इसके साथ ही माता पिता के साथ अच्छे संबंध होंगे। संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलेगा। पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आने वाला समय आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, यह राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। भगवान कृपा से बड़ा लाभ आपको मिलेगा। अगली राशि है सिंह राशि। सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके इस राशि के पांचवें भाव में गोचर करेंगे। पंचम भाव पुत्र का कारक होता है। ऐसे में आपको पुत्र का महाशुभ योग बनेगा। ऐसे में इस राशि के जातक को जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। माता पिता के साथ अच्छा संबंध स्थापित होंगे। इसके साथ ही कोई शुभ समाचार मिलेगा। संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। संतान इसके साथ ही पांचवें भाव में दृष्टि पड़ने पर इच्छाओं की वृद्धि में आपकी बढ़ोतरी होगी, यानी संतान की ओर से। आप अगर संतान है उसकी कैरियर को लेकर परेशान है तो कैरियर बनेगा। पुत्र का योग नहीं बन पाया तो पुत्र का योग बनेगा। बहुत ही अच्छा योग है। पुत्र धन, सरकारी नौकरी, हर प्रकार के योग बनेंगे। तुला राशि। इस राशि में सूर्य तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में इस राशि के जातकों को नए साल में लाभ मिल सकता है। मार्केटिंग शेयर मार्केट में उछाल आएगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इसके साथ ही परिवार के साथ भी समय व्यतीत अच्छा होगा। अर्निंग बढ़ेगी। हर प्रकार की आपकी मनोकामना पूरी होगी। आने वाला समय आपके लिए भी अधिक शुभ रहने वाला है। दोस्तों, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को धन का लाभ है। बहुत ही अच्छा धन का लाभ मिलेगा। पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। धनु राशि, जिसमें सूर्यदेव प्रवेश करेंगे, यह राशि बेहद ही भाग्यशाली रहने वाली है। इस राशि का योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आने वाला समय आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। मान सम्मान बढ़ेगा। पुत्र धन के योग बनेंगे। जीवन में तरक्की मिलेगी। हर प्रकार के कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। तो ये राशियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगी दिसंबर के महीने में। सूर्य के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, सभी राशि वाले भगवान शिव जी की पूजा प्रतिदिन करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इससे आपके कार्य बनेंगे, जीवन में मान सम्मान बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी। हर प्रकार की जो भी अड़चनें आ रही हैं, व्याधाएँ आ रही हैं, सारी अड़चन और व्याधाएँ आपकी दूर होंगी। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं।
अगर इनमें से आपकी राशि है तो आपका कार्य जरूर बनेगा। साथ ही आप भगवान शिव जी की पूजा जरूर करें। और दोस्तों कर्क राशि का योग भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भू राशि तो है ही नहीं, लेकिन कर्क पर भी गुरु की उच्च दृष्टि रहती है, तो कर्क राशि वालों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये राशियां हैं, जो चार पांच राशियां हैं ज़्यादातर भाग्यशाली रहेंगी। इन पर शुभ दृष्टि रहने वाली है देव गुरु बृहस्पति की और सूर्य की। अगले वीडियो में हम आपको नौ राशियों के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत ही भाग्यशाली रहने वाली हैं 16 दिसंबर से लेकर के जनवरी तक, लास्ट तक।